कौन थे वो समय उनके, कुछ तो कहा होगा, थोड़ा सा कुछ चाहा होगा। लहू उनका भी लाल था, बस तेरे लिए मेरे लिए तेरे लिए बहा होगा। नीरा पामा गा मा पा गा मा पा नीरा पामा गा मा पा गा मा पा नीरा मामा गा मा पा गा मा पा कहानी थोड़ी होती अलग, हवा का रुख कुछ और होता। कहानी थोड़ी होती अलग, हवा का रुख कुछ और होता। दबी दबी सी सांसें होती, सूरज भी कुछ ऐसा ना चमकता। गर उन्होंने कुछ किया ना होता, गर उन्होंने कुछ किया ना होता। खुद को भुला कर लहू बहाकर तेरे लिए वो रहा होगा। द लास्ट स्टैंजा इज हंसी कुछ तेरे हिस्से, मुस्कुराहटों भरे मेरे किस्से, बचपन की वो नटखट कहानियां होती कहाँ से। वीरों के किस्से खामोश होते, घर में वीर तुम ना होते। खुद को भुला कर लहू बहाकर मेरे लिए तू रहा होगा। कौन थे वो सुने उनकी, कुछ तो कहा होगा, थोड़ा सा कुछ चाहा होगा। That is what I wanted to share. Melodious and so soulful. Thank Outstanding. you. Thank you so much. It comes from my deep love of for the armed forces, for everyone who's on a daily basis taking care of us, so that you and I can do this. And मेरे लिए फौज एक जज्बात है, एंड मेरे लिए देश भी एक जज्बात है। सो आई एम नॉट अ फैनेटिक, बट आई बिलीव दैट द वर्ल्ड इज माइन। एंड आई थिंक व्हेन यू लिव इन द फोर्सेस इट कम्स अ लिटिल क्लोजर टू यू। तो आप अगर आप मुझसे जब भी किसी को वक्त मिलेगा, इफ यू गो ऑन माई यूट्यूब चैनल यू सी द वीडियो हैज बीन अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स ऑफ मेमोरीज ऑफ डेली लाइव ऑफ ऑफिसर्स। सो देयर चाइल्डहुड मेमोरीज एंड चिल्ड्रन ग्रोइंग अप, एंड उनकी यूनिफॉर्म में फोटोज, एंड दैट इज हाउ द सॉन्ग इज। दिस सॉन्ग इज लाइक अ लालबाई, और आई वुडंट से लालबाई, इट्स लाइक अ स्टोरी। अगर मैं अपने बच्चों से बात कर रही होती और उनको मैं बहादुरों की कहानी बताती तो वो कैसी होती। तो मैंने जब मानिक शाह के साथ आई सॉ द पिक्चर ऑफ इशिता एज अ चाइल्ड, आई थिंक शी इज स्टैंडिंग विद हर ब्रदर। तो Yes, आई yes. थिंक आई वुड I रिक्वेस्ट think I यू, am the brother. I am the girl in the boy cut. यू आर द, या यू आर द गर्ल। I am अच्छा the child in the boy cut. He's अच्छा talking to me. ओह माय गॉड। क्या आपको ये जानना चाहिए, फौजी बच्चों के हेयर कट बड़े स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि हम एक कोई आंटी होती है उनके पास जाते हैं, वो बाल काटती है, वो जैसे काटती है वी लिव विद दैट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ टिल वी हैव अ माइंड ऑफ आवर ओन। सो इट कुड बी बॉय कट, इट कुड बी वन कटोरा कट, इट कुड बी एनीथिंग, बट वन फौजी आंटी विल ऑलवेज रन अ सैलून एंड वी हैव टू गो टू हर।
आपने फील्ड मार्शल मानिक शॉ के बारे में पूछा, तो मानिक शॉ वॉज अ गोरखा ऑफिसर एंड माई फादर वॉज इन द गोरखा रेजिमेंट. एंड तो हमारा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता था उनके साथ, क्योंकि वो जहां जहां जब हम उनसे मिले, हम सिक्किम में थे एंड माई फादर वॉज वहां का जो डिविजन होता है उसको ब्लैक कैट डिविजन कहते हैं. एंड हम लोग ने बहुत ही यूज टू कम प्रीटी फ्रीक्वेंटली टू सिक्किम. एंड जहां तक मुझे याद है, एंड माई मदर वॉज अ जर्नलिस्ट एंड एन अनाउंसर ऑन AIR. तो उन्होंने जी तो उन्होंने उनको इंटरव्यू किया था. उसके बाद वो ऑफिसर्स मेस आए थे शाम को, जहाँ पे सबका डिविजन सबका गेट टूगेदर था. एंड द वन थिंग आई रिमेम्बर जब मैं उनके पास गई थी, वो माई सिस्टर एंड एवरी वन हैड देयर ऑटोग्राफ बुक एंड दे यू नो वॉन्टेड ऑटोग्राफ. तो उन्होंने, मेरे पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने बहुत स्वीटली मुझे बोला कि ओ माई लिटिल गर्ल यू हैव नथिंग टू टेक एन ऑटोग्राफ फॉर. I said no, I don't have a pen and I don't have a diary and I don't have a notebook. So उन्होंने बहुत sweetly मुझे बोला that's all right, you'll go back with something that nobody else has. And he gave me the biggest hug and he said that I still remember the laughter and the candor that he had. उनका बात करने का तरीका has stayed with me. It has stayed with me because of the fact that he could indulge a small child. That child was not unimportant. And he took out that time to interact with everyone. And when I hear stories about him, अपने father से मैं सुनती हूँ, regiment के बाकी लोगों से सुनती हूँ. जब मैं NDTV के interview के लिए गई, तो I was sitting with my finance head, and उन्होंने उनके सामने मानिक शॉ की book रखी हुई थी. And I immediately just looked at the book and I said, oh, मानिक शॉ's book. And he was very taken aback. Why would you be so interested in मानिक शॉ? So I told him, and he said, just the fact that you've interacted with him, I think you deserve the job. And I said, yeah, okay. But yes, it was an experience. He was an institution. Definitely. Ishita, Lopita ji has joined us. She is a playback singer. Lovely. She is also from Mumbai. She has sung in 19 different languages. Lopita ji, welcome. It's a big surprise. Thank you so much for this pleasant surprise. Lopita ji. I hope you were able to listen to this song from Ishita. In fact, I heard the previous one also, Aaj Jaane Ki Zid Na Karo. Are wah. So that's a wonderful song. Like Chris G was saying that it is based on Raag Yaman. So Yaman is a raag hai ki karuna karun jo hota hai na, ek ras hota hai. Shringar aur karun. इन दोनों रसों में बहुत इसको यूज किया जाता है यमन कल्याण. सो मोस्ट ऑफ द रोमांटिक सॉन्ग्स एंड समटाइम्स भजन्स आल्सो, समटाइम्स सूफी आल्सो, गजल्स आल्सो आर बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर राग. एंड यू सैंग वेरी ब्यूटीफुली. आई प्रॉमिस टू जॉइन यू नेक्स्ट टाइम जब भी बनाए कैन. थैंक यू सो मच. दिस इज एंटायरली माय प्लेजर. थैंक यू सो मच मैडम. दो लाइनें सुनते जाइए आप. जी बिल्कुल. ऐसा आप काफी लोगों की परफॉर्मेंस छोड़ के जा रही है, मुझे उम्मीद है आप दोबारा जरूर आएंगी. बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूँ कि एक वो है कि जाने को उठे हैं और एक दिल है कि बैठा जा रहा है. तो हम थैंक यू विमल जी, इतने प्यार से किसी ने आज तक नहीं बोला होगा ये. स्पेशली लॉकडाउन एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड, स्पेशली द चिल्ड्रन, कब ये जाए. थैंक यू सो मच. This is so incredible. मैं promise करती हूँ कि मैं दोबारा आऊंगी जरूर.